नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का दीपाई आर स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक डीआई से डिस्कस करने जा रहे हैं। मेंस लेवल की डीआई है, मिसिंग डीआई हमारी रहने वाली है ये, और इसके पहले ऑलरेडी 6 सेट जो है डिस्कस किए जा चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो सारे सेट्स नहीं देखे तो आप लोग वहाँ पर जाकर इन सारे सेट्स को देख सकते हैं। उसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहाँ पर जाकर सारे के सारे सेट्स को डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आज यहाँ पर हम लोग मेंस लेवल की जो है मिसिंग डीआई हम लोग करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग थोड़ा सा लेजीनेस में हैं तो थोड़ा लेजीनेस से बाहर आइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपको पहले खुद करना है, फिर सोल्यूशन देख के जाना है। सत्यनारायण स्वामी की कथा की तरीके से नहीं देख के जाना है कि देख लिए चले गए और लास्ट में पंजीरी वगैरह मिलेगी, ऐसा कोई सीन नहीं रहने वाला है। अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और आप लोग किसी भी YouTube चैनल से कहीं से भी पढ़ाई करें तो कम से कम मैथ्स और रीजनिंग के अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो कॉपी पेन निकाल के रखा करिए। सबसे पहले क्वेश्चंस को आप लोग खुद अटेम्प्ट करिए, बन जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रही है तब सोल्यूशन देख के जाइए, लेकिन अटेम्प्ट करना जरूरी है। दिमाग थोड़ा सा यूज करो, भगवान ने दिया है तो थोड़ा सा उसको यूज करो, ठीक है ना। तो आज हम लोग मिसिंग डीआई यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बात को बिना लंबा खींचे हुए हम लोग देखेंगे कि डीआई क्या कह रही है। देखो मेंस लेवल की डीआई है और मिसिंग डीआई है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, अच्छे से समझिए इसको, और उसके बाद में हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा मेंस लेवल की पजल डीआई है। बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि एसबीआई का भी एग्जाम आने वाला है, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आएगा या आईबीपीएस पीओ या आरआरबी पीओ, मेंस लेवल की डीआई है ये। तो आप लोग इसको ढंग से पढ़िए और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करेंगे। देखते हैं इसमें क्या बोला गया। इसमें बोला गया क्विज कंपटीशन वॉज कंडक्टेड एंड फोर बॉयज मोहित अंकित वीर एंड आयुष पार्टिसिपेटेड इन द क्विज, रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। एक क्विज कंपटीशन जो था वो ऑर्गेनाइज कराया गया था जिसमें से चार लड़के, कौन कौन से, मोहित अंकित वीर और आयुष, इन चार लोगों ने वहां पर पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद के नीचे डाटा दिया गया, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन क्विज 40, टोटल 40 क्वेश्चन क्विज में है। मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, एक राइट आंसर के लिए 2 नंबर दिया गया है। आगे क्या बोला गया, इफ समवन लेफ्ट मोर देन 6 क्वेश्चंस देन 4 मार्क्स विल बी डिटेक्टेड। अगर कोई भी आदमी 6 क्वेश्चंस छोड़ देता है तो उसके जो है 4 नंबर काट लिए जाएंगे। कितने काट लिए जाएंगे, 4 नंबर काट लिए जाएंगे। आगे नोट करके दिया गया है, 1 मार्क डिडक्टेड फॉर दी 4 रॉन्ग आंसर्स, यानी कि अगर माइनस मार्किंग की हम लोग बात करें, नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। उसके बाद में एक लाइन यहाँ पर यह भी लिखी गई है कि आयुष गॉट हाइएस्ट मार्क्स इन दी कॉम्पिटिशन। आयुष जो था इस कॉम्पिटिशन में, इस क्विज कॉम्पिटिशन में सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करने वाला स्टूडेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये चारों के चारों पार्टिसिपेंट दिए गए हुए हैं, अंकित, मोहित, वीर और आयुष, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया गया है, ये दिया गया है इस कॉलम में जो हमारा दिया गया राइट आंसर, राइट क्वेश्चन दिए गए, कितने क्वेश्चन उसने राइट किया, सही किया, और इस वाले कॉलम में कितने क्वेश्चन रॉन्ग किया ये दिया गया, और ये क्या दिया गया, टोटल मार्क्स ऑब्टेन, कितने कितने मार्क्स उनको मिले। कुछ डाटा दिया गया, कुछ डाटा नहीं दिया गया, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हम लोग डाटा निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी क्वेश्चन जो है हिंदी में लिखा गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, जिससे कि मोटा मोटा ओवरव्यू जो है क्वेश्चन का आप लोगों के दिमाग में आ जाए कि इसमें पूछा क्या गया है, क्या क्या दिया गया है, आगे कैसे सॉल्व करना है। आगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे अभी, तो कंटेंट जो है हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। एक बार इसको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या बोला गया, एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें से 4 लड़के, मोहित, अंकित और वीर और आयुष ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक प्रश्नोत्तरी, एक क्विज का ऑर्गेनाइज किया गया, कंडक्ट किया गया, जिसमें से 4 लड़के, मोहित, अंकित, वीर और इन 4 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, क्विज में कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, 40, और एक सही क्वेश्चन के लिए, अगर एक क्वेश्चन आप लोगों का सही हो जा रहा है तो उसके लिए 2 नंबर दिए जा रहे हैं। अगर 4 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है आप लोगों को, ये दिया गया है ना, देखिए 4 गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा, इसका मतलब माइनस मार्किंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25, यानी कि 0.25 नंबर जो है आप लोगों को 4 गलत होने पर काट, 1 क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा, 4 क्वेश्चन आप लोगों के गलत हो जाएंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। और इसमें एक लाइन और दी गई है, यदि कोई 6 से अधिक प्रश्न छोड़ता है तो उसके केवल 4 अंक काटे जाएंगे। अगर कोई बंदा, कोई लोग जो है इसमें से कोई पार्टिसिपेंट 6 से अधिक प्रश्न छोड़ दिया जाता है तो फिर वहाँ पर माइनस मार्किंग एप्लीकेबल नहीं होगा, केवल 4 अंक उसके काट लिए जाएंगे। यहाँ पर सही उत्तर कितने दिए गए उसकी संख्या दी गई है, यहाँ पर गलत उत्तर का, और यहाँ पर कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का हिंदी में मतलब था, आप सीधे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए इसमें आप लोगों के सामने क्वेश्चन है और पूछा क्या गया, फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेफ्ट बाय मोहित, मोहित द्वारा छोड़े गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है। मोहित की बात हो रही है, यानी कि ये रहे मोहित, ठीक है ना। इसमें पूछा गया है कि मोहित ने कितने प्रश्न छोड़ दिए,
तो आप लोग देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, डाटा क्या दिया गया है हमको, हमको जो डाटा दिया गया कितने क्वेश्चन उसने राइट किए और कितने क्वेश्चन उसने रॉन्ग कर दिए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए ये नहीं दिया गया और कितने मार्क्स उसको मिला, यानी कि टोटल सही क्वेश्चन कितना किया ये दिया गया है और टोटल मार्क्स उसको कितना मिला ये दिया गया है। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर है कि एक गलत प्रश्न के लिए कितना नंबर काटा जाएगा, -0.25, ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही समझा दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद में अगर चार क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा तो एक नंबर कट जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा इसमें दिया गया। अब हमको क्या दिया गया है, राइट क्वेश्चन कितना किया गया ये दिया गया है, कितने मार्क्स पाया है ये दिया गया है, और कितने रॉन्ग क्वेश्चन ये नहीं दिया गया। तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल उसने वाई रॉन्ग क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, वाई क्वेश्चन उसने गलत किए, तब उसके मार्क्स की एक इक्वेशन अगर हम लोग बनाएंगे तो 26 क्वेश्चन उसने राइट किया था, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दो नंबर मिल गया टोटल मार्क्स, माइनस वाई क्वेश्चन उसने गलत किया और वाई के लिए कितने मार्क्स कटे उसके, 0.25 इक्वल टू टोटल मार्क्स के बराबर हो जाएगा, यानी कि 46.25। यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कितने क्वेश्चन गलत किया ये निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, 26 दूना कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 0.25y इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 46.25 हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये वैल्यू आ जाएगी 0.25y किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 5.75 के, 5.75 के, इधर इधर जाएगा तो ये घट जाएगा ना, इधर घटा देंगे इसको, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये दो अंक पे दशमलव यहाँ पर है, दो अंक पे दशमलव यहाँ पर, ये कट जाएगा सीधे 25 से भाग देते हैं इसको, 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 तीन 75, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू अगर हम लोग बात करेंगे तो 23, यानी कि 23 क्वेश्चन उसने गलत किए, 23 क्वेश्चन उसने गलत किए और 26 क्वेश्चन उसने सही किए थे। यहाँ पर आप लोग समझिए, 26 क्वेश्चन उसने सही किया था, 23 क्वेश्चन उसने गलत कर दिया, ठीक है ना। तो 26 और 23 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 26 और 23 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा भाई। अगर आप लोग 26 और 23 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, यानी कि उसने टोटल 49 क्वेश्चन किए, लेकिन लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इनको इसमें कितना दिया गया, 40 ही क्वेश्चन ही दिया गया, तो 49 क्वेश्चन कैसे करेगा, 49 क्वेश्चन तो वो कर ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, क्योंकि क्वेश्चन टोटल 40 हैं, 23 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए, 26 क्वेश्चन उसने राइट किए थे, सही किए थे, 23 और 26 को जोड़ोगे तो 49 हो जाएगा और 40 से क्वेश्चन है, तो फिर इस केस में तो ये गलत हो गया ना, इतना तो होगा नहीं। तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, अब इसमें ये हो जाएगा कि मोहित जो है वो 6 से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, तभी जिससे कि उसके 4 नंबर कम हो गए होंगे। एक कंडीशन ये भी तो दी गई थी कि 6 से ज़्यादा क्वेश्चन उसने छोड़ दिया गया होगा तब उसके 4 नंबर कम हो जाएंगे, 6 से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ देगा तो उसके 4 नंबर कम हो जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें कि 6 से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ दिया तो 4 नंबर कम हो गए, कम हो जाएंगे। अब उसके पास फिर उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ये भी तुमको देखना होगा, ये भी तुम्हें देखना होगा ना भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले उसको 26 क्वेश्चन अगर उसने किए थे, 26 क्वेश्चन उसने किए, 26 क्वेश्चन किए, दो नंबर एक क्वेश्चन पे मिलता था, ठीक है, तो उसको कितने नंबर मिल गए, उसको 26 दूना 52 नंबर मिल गए, लेकिन लेकिन 6 से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ दिया होगा जिससे कि 4 नंबर कम हो गए होंगे, तो अब उसके कितने मार्क्स हो गए, अब उसके मार्क्स हो गए 48 नंबर, 48, क्योंकि ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो नहीं रही है, क्योंकि 26 और 23 जोड़ रहे हैं तो 49 हो रहा है और 49 क्वेश्चन ही नहीं है, तब हमने इस लाइन जो दी गई थी इसका हमारा मतलब यहाँ पे समझ में आया, इसका उपयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे। इसका मतलब कुछ 6 से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, 6 से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ा होगा जिससे कि उसके 4 नंबर कम हो गए होंगे, और 4 नंबर कम होकर उसके कितने नंबर आ गए, 48, उसके 48 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जब उसके 48 नंबर आ गए तो हमको ये ज्ञात करना है कि कितने गलत क्वेश्चन उसने, मतलब कितने क्वेश्चन उसने गलत किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। तो ये हम कैसे करेंगे, टोटल क्वेश्चन, टोटल मार्क्स माइनस गलत क्वेश्चन का मार्क्स इंटू इक्वल टू टोटल मार्क्स जितना पाया हुआ है एक्चुअल में, एक्चुअल में कितना पाया हुआ, 26 नंबर। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने जो भी कंडीशन निकाला कि 6 क्वेश्चन गलत कर देने से 4 मार्क्स उसके कम हो जाएंगे, तो उसके 48 मार्क्स आ गए। तो अभी हम मान लेते हैं कि उसने वाई क्वेश्चन गलत कर दिए, वाई क्वेश्चन गलत कर दिए, तो उसके मार्क्स हम निकाल लेते हैं, टोटल मार्क्स कितना है, 48 माइनस 0.25 होगा ये, 0.25y इक्वल टू कितना हो जाएगा 46.25। ये इक्वेशन आप लोगों को समझ में आई कि नहीं समझ में आई, इसको फिर से समझो आप लोग। टोटल अभी हम लोगों ने जो कंडीशन फॉलो करके मार्क्स निकाला 48 नंबर था, और हम लोगों ने मान लिया कि 48
नंबर उसके मतलब आए और उसने वाई क्वेश्चन रॉन्ग किया, वाई क्वेश्चन उसने गलत कर दिया, तो उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे? और एक क्वेश्चन, एक गलत क्वेश्चन पे कितने नंबर कटते हैं? 0.25। तो यानी कि टोटल मार्क्स जो हमने अभी पाया कंडीशन से माइनस गलत क्वेश्चन का, और ये जो है एक्चुअल मार्क्स के बराबर हो जाएगा। इससे हमको यहाँ ये पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन उसने गलत किए। तो इस वैल्यू को, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 48 में से अगर हम 46.25 बटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.75 हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.25y हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये हम लोग इसे भाग देंगे 25 7 बार आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। यानी कि अब इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि उसने कितने 7 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए। यहाँ से हमने यही तो माना था कि वाई क्वेश्चन उसने गलत किया, तो टोटल उसने 7 क्वेश्चन गलत कर दिए। तो अब इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन लेफ्ट बाई मोहित, इसमें पूछा क्या गया, मोहित ने कितने क्वेश्चन छोड़े। टोटल 40 क्वेश्चन थे, ठीक ना। 26 क्वेश्चन उसने सही किया, ठीक है ना, और 7 क्वेश्चन गलत कर दिया, यानी इसको जोड़ लिया, यही हमारा, इसको घटा देंगे आंसर हो जाएगा, यानी कि 40 - 7 = 13 = 33 हो जाएगा, यानी कि 7 क्वेश्चन उसने छोड़ दिया। आंसर क्या हो जाएगा? 7 क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगी। मोहित ने कितने क्वेश्चन छोड़े, मोहित के द्वारा छोड़े गए प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। कैसे हुआ, एक बार इसको फिर से समझा रहा हूँ, आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार जल्दी जल्दी चीज़ों को एलिबोरेट कर रहा हूँ, आप लोग समझो। 26 क्वेश्चन उसने टोटल किए थे सही, ठीक है ना, रॉन्ग कितने किए थे ये पता नहीं था, टोटल मार्क्स हमको दिया गया था, तो हम लोगों ने मान लिया कि उसने वाई क्वेश्चन रॉन्ग किया, यानी कि 26 क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिल गए? 26 × 2 मार्क्स मिल गए। वाई क्वेश्चन गलत किया था तो वाई पे कितने मार्क्स मिल गए, यानी कि वाई 0.25, और टोटल मार्क्स के इसको बराबर कर दिया। यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमको ये पता चल गया कि कितने क्वेश्चन उसने गलत किए थे, कितने क्वेश्चन गलत किए थे, ये वाई की वैल्यू आ गई। इसका मतलब कि 23 क्वेश्चन उसने गलत किया है, लेकिन अगर 23 क्वेश्चन गलत होगा और 26 क्वेश्चन सही होगा और इसको जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, और टोटल क्वेश्चन कितना दिया गया है क्वेश्चन में, टोटल तो दिया गया है कि 40 क्वेश्चन ही है, तो ये कंडीशन तो गलत हो गई। 23 क्वेश्चन तो गलत उसके होंगे नहीं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसने छोड़े जरूर होंगे, या तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए ही नहीं किए होंगे, वही मतलब हो गया। यहाँ पर एक लाइन क्या दी गई थी कि इफ़ समवन लेफ्ट मोर देन 6 क्वेश्चन देन 4 मार्क्स विल बी डिटेक्टेड, तो हम लोगों ने मान लिया कि इसने 6 से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे, ठीक है ना। अब 6 से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे तो उसके मार्क्स जो है 4 नंबर कम हो गए होंगे। 26 सही क्वेश्चन पे उसको कितना नंबर मिला होगा? 52 में से 4 नंबर कम हम लोगों ने कर दिया, तो 48 नंबर उसको मिल गया। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको 48 नंबर मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में मिला कितना है उसको? 46 नंबर मिला है। तो अब हम लोग फिर से मान लेते हैं कि उसने वाई क्वेश्चन गलत किया है, वाई क्वेश्चन उसने गलत किया, ठीक है ना। अब वाई क्वेश्चन गलत किया और एक गलत क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स कटते हैं, तो एरोच और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 48 माइनस जो उसके गलत क्वेश्चन के मार्क्स होंगे उसको एक्चुअल मार्क्स के बराबर यहाँ पर कर दिया ये सिचुएशन में। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया कि उसने 7 क्वेश्चन जो है उसने गलत कर दिया, 7 क्वेश्चन उसने जो है गलत कर दिया। नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाई मोहित कितना हो गया? 7। 7 क्वेश्चन उसने गलत कर दिया। अब पूछा क्या गया कि मोहित ने कितना प्रश्न छोड़ा, कितना प्रश्न छोड़ा, यानी कि टोटल कितने प्रश्न थे, माइनस जितना किया और जितना गलत कर दिया या छोड़ दिया जो भी था हमारा ये, ठीक है ना, जितना गलत कर दिया। तो टोटल तो 40 क्वेश्चन था और उसने 26 क्वेश्चन सही किया था, 26 क्वेश्चन किया था, 7 क्वेश्चन उसने छोड़ दिया, 7 क्वेश्चन उसने गलत कर दिया था, रॉन्ग क्वेश्चन लोगों ने निकाला कितना किया था रात, तो 26 और 7 को जोड़ लेंगे, 26 क्वेश्चन सही किया, 7 क्वेश्चन गलत कर दिया, 26 × 7 = 33 हो जाएगा, 40 में से घटा देंगे, यानी कि 7 क्वेश्चन जो उसने छोड़ दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से पीछे करके देखिएगा, मेंस लेवल का क्वेश्चन था, बहुत कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, पेन वगैरह की दिमाग का थोड़ा सा खेल था, तो ये उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए इसमें क्या दिया गया, इफ अंकित डिड नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय अंकित। यदि अंकित ने सभी प्रश्नों का प्रयास नहीं किया तो अंकित द्वारा किए गए प्रश्नों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बात अंकित की हो रही है, अंकित की, और इसमें कुछ नहीं दिया गया कितने राइट आंसर हुए उसके, कितने रॉन्ग आंसर हुए, ये रॉन्ग क्वेश्चन हुए, ये नहीं दिया गया, केवल और केवल अंकित का मार्क्स दिया गया है। अंकित के मार्क्स कितने आए? 58.5 आए, और ये भी दे दिया गया है कि अंकित डिड नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, यानी कि अंकित ने 40 की 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, 40 से 40 - 1 यानी कि कम से कम उसने एटलीस्ट जो है 39 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा किए होंगे, 39 क्वेश्चन से ज़्यादा वो किया नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या बोला गया। एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमारा कितना नंबर कट जाएगा, अगर हम लोग बात करें एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो 0.25 मार्क्स जो है कट जाएगा। और इसमें जो ये कंडीशन दे दी गई है कि अंकित ने जो है, अंकित के मार्क्स कितने दिए गए हैं, 58.5 दिए गए हैं,
और एक सही मार्क्स पे, एक सही क्वेश्चन पे हमको कितने मार्क्स मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं। तो ये जो अंकित के मार्क्स दिए गए हैं 58.5, इससे हमको एक चीज़ तो पता चल रहा है कि अंकित ने कम से कम 30 क्वेश्चन तो जरूर किया होगा। भाई 30 क्वेश्चन किया होगा तभी 30 दूनी 60 नंबर उसको मिले होंगे, या कुछ गलत हो गया होगा तभी तो जाके उसके फिर 58 नंबर आए होंगे। अगर सोचोगे अगर 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही किया होता वो, अगर बात को सुनो आप लोग समझो बात को, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, अगर उसने 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही किया होता तो 29 दूना कितना होता है, 58 ही होता ना, तो 58 मार्क्स की आते उसके, 9 दूनी 18, 2 नौ 18 और 2 दून 4 1 5 58 होता। अगर वो 29 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया होता तो उसके 58 मार्क्स की आते, लेकिन मार्क्स तो उसके कितने हैं, 58.5 हैं। इसका मतलब कम से कम उसने जो है मिनिमम उसने 30 क्वेश्चन किए होंगे और मैक्सिमम 39 क्वेश्चन किए होंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी क्वेश्चन उसने नहीं किया है, तो टोटल 40 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उसने नहीं किया होगा मान लेता हूँ, तो 39 क्वेश्चन किए होंगे। मिनिमम उसने 30 क्वेश्चन किए, मैक्सिमम उसने 39 क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसके मार्क्स देख के एक चीज़ ये भी पता चल रही है कि उसने कम से कम 30 क्वेश्चन किए होंगे। दूसरी चीज़ इससे क्या पता चल रही है, दूसरी चीज़ हमें ये पता चल रही है यहाँ पर कि उसने जो गलत क्वेश्चन किया होगा ना वो इवन नंबर होगा। उसने जो भी क्वेश्चन गलत किए होंगे, या तो उसने 2 क्वेश्चन, समझने की कोशिश करो आप लोग शब्दों को ध्यान से सुनो, या तो उसने जो गलत क्वेश्चन किए होंगे या तो वो इवन नंबर होगा, और जो भी होगा 2 और 6 ही होगा। 2 और 6 क्यों होगा, अगर क्योंकि इसमें मार्क्स 58.5 दिया गया है, 58.5 दिया गया है, यानी कि अगर 2 क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो 0.5 घट जाएगा, लेकिन 3 क्वेश्चन गलत होगा तो 0.75 कम होगा, 0.75 कम होते यहाँ पर 2.5 होना चाहिए था। 4 क्वेश्चन गलत होगा तो पूरा 1 नंबर कट जाएगा, तो ये नंबर पूरा होना चाहिए था, लेकिन ये मार्क्स तो उसने 58.5 है। 5 क्वेश्चन गलत हो जाता तो 1.25, यहाँ पर 7.5 आना पड़ता। 6 क्वेश्चन गलत हो जाता तो फिर 1.5 हो जाता हमारा, तो उस कंडीशन में हमारा जो है ये मार्क्स आ सकते थे। यानी कि 58.5 मार्क्स लाने में उसको जो है उसके क्वेश्चन या तो 2 गलत हुए होंगे या तो 6 गलत हुए होंगे, बीच में और कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि फिर ये मार्क्स आएगा ही नहीं। आप लोग करके देखिएगा, क्योंकि फिर ये मार्क्स आएगा नहीं, क्योंकि 2 क्वेश्चन गलत होगा तभी 0.5 मार्क्स कटेगा, 3 क्वेश्चन गलत होने पर 0.75 हो जाएगा, और टोटल मार्क्स में से 0.75 बटाएंगे तो लास्ट की डिजिट होगी 0.25 होगी, लेकिन यहाँ पर लास्ट में 0.508 दिया गया है। लास्ट में क्या दिया गया है, इसके मार्क्स अगर आप लोग देखें तो कितना दिया गया है, 58.5 दिया गया है। अगर ये 58.25 होता तब तो हम लोग मान सकते थे कि 3 क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन ये दिया कितना गया, 58.5। तो इस कंडीशन में या तो वो 2 क्वेश्चन गलत करेगा, या तो वो 2 क्वेश्चन गलत करेगा, या तो वो 6 क्वेश्चन गलत करेगा, और मिनिमम वो 30 क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा, मिनिमम वो 30 क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पर ये मान लेते हैं कि उसने ए क्वेश्चन सही किया और बी क्वेश्चन गलत किया। आगे की कंडीशन हम लोग क्या बनाते हैं, ए क्वेश्चन उसने सही किया और बी क्वेश्चन उसने गलत कर दिया, और ए क्वेश्चन गलत किया बी क्वेश्चन, ए क्वेश्चन सही किया और बी क्वेश्चन गलत किया, इसका मतलब उसके मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, 2A - 0.25B माइनस 0.25B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 58.5। ये क्वेश्चन में दिया गया था, ये हमारी वैल्यू क्वेश्चन से आ गई, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या माना है कि कम से कम उसने 30 क्वेश्चन जो है किया ही होगा, और या तो उसके 2 गलत हुए होंगे या तो 6 गलत होंगे। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ पर इसकी 2 पॉसिबिलिटी बन रही, मिनिमम अटेम्प्ट उसके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 उसके मतलब सही क्वेश्चन हुए होंगे, और 2 गलत हुआ होगा या तो 6 गलत हुआ होगा। इन्हीं दोनों पॉसिबिलिटी को भी हम लोग चेक करेंगे, तो फिर देखते हैं कि आंसर कैसे आएगा। 30 से नहीं होगा तो फिर 31 मानेंगे, 32 मान के चेक करना होगा, 33 मान के करना होगा, 39 तक हम लोगों को चेक करना होगा, लेकिन हम लोग स्टार्ट यहीं से करते हैं, 30 से ही करते हैं। तो पहला केस क्या बनेगा, पहला केस हमारा ये बनेगा कि 30 क्वेश्चन जो है उसका राइट हुआ होगा, ठीक है ना, और 2 क्वेश्चन जो है उसका रॉन्ग हुआ होगा। उस केस में हमारा क्या कंडीशन बन के आएगी, उसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अगर 30 क्वेश्चन उसने सही किया होगा तो उसके कितने मार्क्स होंगे, 30 × 2 कर दिया हमने, 2 क्वेश्चन उसके गलत हो जाएंगे तो उसके कितने मार्क्स होंगे, यानी कि 0.25 × 2 कर देंगे, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 × 2 = 60 हो जाएगा, माइनस अगर हम लोगों ने ये कर दिया इसका कितना हो जाएगा, माइनस पॉइंट फाइव हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 59.5, और उसके मार्क्स कितने हैं, 58.5, यानी कि ये कंडीशन तो गलत हो गई, ये कंडीशन हमारी गलत हो गई, 30 क्वेश्चन राइट और 2 क्वेश्चन रॉन्ग वाली कंडीशन गलत हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है उसकी, फिर दूसरी कंडीशन ये बन के आ जाएगी कि 30 क्वेश्चन जो है उसका राइट होगा और 6 क्वेश्चन जो है उसका रॉन्ग होगा, 6 क्वेश्चन जो है उसका रॉन्ग होगा। इस कंडीशन को चलिए सेटिस्फाई करते हैं, अगर उसने उसके 30 क्वेश्चन सही हो गए तो 30 क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलेगा, 30 × 2 माइनस 6 क्वेश्चन गलत होंगे तो 6 क्वेश्चन पे कितने मार्क्स उसके कट जाएंगे, 6 × 0.25
और इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, माइनस अगर हम लोग 6 × 25.25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 × 4 = 100, 25 × 5 = 25 यानी कि 1.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। और अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 60 में से एक जाएगा 59 हो जाएगा, 59 में से 0.5 चला जाएगा यानी कि 58.5 मार्क्स उसके आएंगे। और मार्क्स क्वेश्चन में दिया कितना गया है, 58.5 मार्क्स ही दिया गया, यानी कि ये कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाई कर चुकी है, ये क्वेश्चन हमारी सेटिस्फाई कर चुकी है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई। अब इसके आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। अब हमको ये नहीं चेक करना कि 31 क्वेश्चन सही होगा या 32 क्वेश्चन सही होगा, नहीं, यहीं पर हम लोगों ने हमारा जो क्वेश्चन था, हमारी जो कंडीशन थी, हमारी जो वैल्यू थी वो सेटिस्फाई कर गई। अब इसमें पूछा क्या गया था, तो अंकित द्वारा प्रयास किए गए कुल प्रश्नों की संख्या, ठीक है ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय अंकित। तो अंकित ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, देखिए 30 क्वेश्चन तो उसने सही किया था और 6 क्वेश्चन उसके गलत हो गए, तो 30 + 6 यानी कि उसने 36 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, अंकित ने 36 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन हमारा उसने अंकित ने अटेम्प्ट किया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना लॉजिकल क्वेश्चन था, ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को पीछे करके आप लोग फिर से समझिएगा, फिर से देखिएगा समझ में आएगा, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके बताइएगा, उसके बाद भी और भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने सोशल मीडिया लिंक वगैरह दे दिया था और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, आप लोग वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए इसमें क्या पूछा गया, फाइंड द परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस लेफ्ट बाय वीर, वीर के द्वारा छोड़े गए प्रश्नों का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है ना। बात यहाँ पर वीर की हो रही है, वीर में हमको क्या दिया गया, कितने राइट क्वेश्चन किए ये भी नहीं दिया गया, कितने रॉन्ग क्वेश्चन किए ये भी नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिया गया है कि वीर ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। तो वीर ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 65 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए। तो यहाँ से एक चीज़ क्या क्लियर होके आ रही है, अगर उसने 65 मार्क्स ऑब्टेन किए तो इसका मतलब ये हो गया होगा कि कम से कम 33 क्वेश्चन का उसने सही आंसर दिया ही होगा। क्यों दिया होगा 33 क्वेश्चन का, अगर 33 क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा तो 33 × 2 कितना हो जाएगा, 66 मार्क्स उसके रहे होंगे, एक आध क्वेश्चन गलत हो गया होगा तो कुल मिलाकर ये घट गया होगा। लेकिन अगर ये सोचो कि अगर उसने 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता, सही किया होता, तो उसके कितने मार्क्स आते, तो इसके 64 मार्क्स हो जाते, 32 क्वेश्चन यानी कि 32 क्वेश्चन सही करने पर उसके कितने मार्क्स हो जाते, 64 मार्क्स, और उसके मार्क्स क्वेश्चन में दिया कितना गया, 65, यानी कि 32 तो किया नहीं होगा, कम से कम उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, ये 33 होगा। क्यों, क्योंकि 33 × 2 करेंगे तो 66 होगा जो 65 से ज़्यादा है, यानी कि उसने 33 क्वेश्चन जो कम से कम किया होगा, ठीक है ना। यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आ गई कि 33 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन उसने कम से कम उसने सही किए होंगे। चलिए एक चीज़ यहाँ से निकल गई। दूसरी चीज़, उसके मार्क्स जो देखिए आप लोग, ना तो उसमें पॉइंट वाइंट में कुछ नहीं दी, एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है, 65 एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है। इसका मतलब उसने या तो जो गलत किए होंगे क्वेश्चन, या तो 4 क्वेश्चन गलत किए होंगे, या तो 4 के मल्टीपल में गलत किए होंगे, 8 किए होंगे, 12 किए होंगे। क्यों, क्योंकि 4 गलत क्वेश्चन पर एक नंबर कट जाएगा, 8 गलत क्वेश्चन पर 2 नंबर कट जाएगा, तभी तो ये वैल्यू जो है 65 हमारी एग्जैक्ट आएगी। नहीं तो अगर भाई सोचो, अगर आप लोग 5 क्वेश्चन गलत होता तो 1.25 मार्क्स कटता, और 1.25 मार्क्स कटता तो ये 64.75 हो जाता ना, क्योंकि ये वैल्यू पूरे इंटीजर दी गई है, पूर्णांक में दी गई है। इसलिए उसके क्वेश्चन जो हैं, या तो 4 क्वेश्चन गलत किए होंगे उसने, या तो 8 क्वेश्चन गलत किए होंगे। और 8 क्वेश्चन गलत क्यों नहीं कर ही नहीं सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, आप लोग शब्दों को ध्यान से सुनते चलिए, इसने क्वेश्चन में पेन कम चलानी, दिमाग ज़्यादा चलाना है, तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। अगर सोचो, आप लोग खुद सोचो कि अगर उसने कम से कम 33 क्वेश्चन सही किया और 8 क्वेश्चन गलत कैसे कर सकता, क्योंकि 33 और 8 जोड़ोगे तो 8 × 3 = 11, 41 नहीं हो जाएगा। आप लोग देखो ना, 33 + 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, यानी कि टोटल 41 क्वेश्चन हो जाएंगे। और क्वेश्चन में क्या दिया गया, 40 क्वेश्चन ही है, 40 ही तो क्वेश्चन है भाई साहब, तो 40 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन तो गलत कर ही नहीं सकता। तो कंडीशन तो सिर्फ एक ही बच रही है, एक ही कंडीशन बच रही है कि उसने 33 क्वेश्चन जो हैं इतने सही किए होंगे, ठीक है ना, और 4 क्वेश्चन जो हैं उसने, 4 क्वेश्चन जो हैं उसने रॉन्ग किए होंगे। ये हमारी कंडीशन यहाँ पर बन के आ गई, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। अब उसके मार्क्स कितने दिए गए हैं, उसके मार्क्स 65 दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि उसका ये वैल्यू, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, ये चीज़ हम लोग इस लॉजिक को, ये जो हमने वैल्यू निकाली है, ये ज़ूम किया है, जो हमारा डाटा से आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 33 क्वेश्चन पे उसको कितने नंबर मिल जाएंगे, 33 × 2 कर देते हैं, 4 क्वेश्चन गलत पे उसके कितने मार्क्स कट जाएंगे, 0.25 × 4 कर देते हैं, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 66 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि 65 हो जाएगा, उसके 65 मार्क्स आने चाहिए, और 65 मार्क्स ही हैं,
65 मार्क्स ही हैं उसके। तो उसने पूछा क्या गया है कि वीर द्वारा छोड़े गए प्रश्नों का प्रतिशत, वीर द्वारा छोड़े गए प्रश्नों का प्रतिशत। तो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं कि वीर ने अटेम्प्ट कितना किया, वीर ने अटेम्प्ट कितना किया। तो 33 क्वेश्चन तो उसने रॉन्ग राइट किए, 33 क्वेश्चन तो उसके राइट थे, सही थे, ठीक है ना। रॉन्ग कितने थे उसके, 4 क्वेश्चन जो है उसके रॉन्ग थे, 4 क्वेश्चन रॉन्ग थे, तभी तो जाके उसके 65 नंबर आए। तो उसने अटेम्प्ट कितना कर लिया, इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो 37 क्वेश्चन उसने 40 में आउट ऑफ 40 में अटेम्प्ट कर लिया। अब इसमें पूछा गया गया प्रतिशत, फाइंड द परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन लेफ्ट बाई वीर। तो वीर ने छोड़ा कितने क्वेश्चन, अगर वीर ने छोड़ा तो 40 माइनस 37 कर देंगे, कितना है, हाँ 37 आया है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 क्वेश्चन उसने छोड़ दिया। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमको जो निकालना है वो कैसे निकलेगा, 3 अपॉन 40 इंटू 100, ये इसी वैल्यू को हम लोगों को सॉल्व कर लेना, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग 40 से डायरेक्ट काट दें तो 40 दूना 80 हो जाएगा, ठीक है ना, और 20 आ जाएगा, एक पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 4 × 5 = 20, यानी कि 0.5 हो जाएगा, यानी कि 40 इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7.5 जो है हमारा, यही आंसर हो जाएगा, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा क्या गया था, पूछा गया था कि वीर द्वारा छोड़े गए प्रश्नों का प्रतिशत, फाइंड द परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस लेफ्ट बाय वीर। तो वीर ने जो है 7.5% क्वेश्चन छोड़ दिया, और वैसे देखा जाए वैल्यू में तो 3 क्वेश्चन उसने छोड़ दिया, 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, टोटल 40 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो पीछे करके देखिए। पेन इसमें कम चलानी थी, दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलाना था, एज्यूम ज़्यादा करना था, तो उसी हिसाब से उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही तो एक बार वीडियो पीछे करके देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इफ आयुष डिड नॉट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स गॉट बाय हिम इज ए मल्टीपल ऑफ 3 and 23, ठीक है, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्स राइटली बाई आयुष। यदि आयुष ने सभी प्रश्नों का प्रयास नहीं किया और उसके द्वारा मार्क्स जो प्राप्त किए गए 3 और 23 के गुणज हैं, तो आयुष द्वारा सही उत्तर देने वाले प्रश्नों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक चीज़ क्या बोली गई, आयुष डिड नॉट अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस, यानी कि आयुष ने मैक्सिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, मैक्सिमम 39 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है ना। आयुष ने मैक्सिमम 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे क्योंकि टोटल 40 क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक लाइन दे दी गई है कि आयुष के जो है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, तो मैक्सिमम आयुष ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, 39। और आयुष का देखें तो ना तो राइट क्वेश्चन दिया गया है, ना तो रॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, ना मार्क्स दिया गया है, कितने मार्क्स आयुष किया ये भी नहीं दिया गया। लेकिन एक चीज़ अगर हम लोग क्वेश्चन को ध्यान में से पढ़े होंगे तो उसमें दिया गया था, एक लाइन लिखी गई थी कि आयुष गॉट हाइएस्ट मार्क्स इन द कॉम्पिटिशन, आयुष के मार्क्स जो है कंपटीशन में सबसे हाईएस्ट रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि आयुष के मार्क्स जो है कम से कम 66 तो रहे होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें 65 है, तो आयुष कम से कम 66 मार्क्स तो पाएगा ही पाएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्क्स 39 अटेम्प्ट करेगा, इंटू 2 कर दें तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 78 मार्क्स पा सकता है, और कम से कम वो 66 मार्क्स पा सकता है, ठीक। ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, कैसे क्लियर हो गई, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स उसने पाया होगा, हाईएस्ट मार्क्स वो पाएगा आयुष कंपटीशन में, इसमें ये बोला गया है, तो सबके मार्क्स 65 हैं, सबके मार्क्स 65 हैं, 65 से ज़्यादा किसी के मार्क्स अभी तक है नहीं, तो आयुष जो है कम से कम 66 नंबर तो पाएगा ही, तब मतलब ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने पा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि 40 तो करेगा नहीं, क्वेश्चन में दे दिया गया था, तो अगर 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो 78 मार्क्स पाएगा। लेकिन एक लाइन यहाँ पर और भी दी गई है कि एंड टोटल मार्क्स गॉट बाय हिम इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 and 23, यानी कि आयुष जो भी मार्क्स पाएगा वो 3 और 23 का मल्टीपल होगा, तो ना तो 66 जो है इनका दोनों का मल्टीपल हो रहा है, ना तो 78 इनका मल्टीपल हो रहा है, ना तो 66 इसका मल्टीपल हो रहा है 3 का और 23 का, ना तो 78, 3 का तो हो रहा है ये, अगर 66 को देखेंगे तो 3 का हो रहा है, लेकिन 23 का नहीं हो रहा है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो 7, 14, 15 ये भी 3 का हो रहा है लेकिन 23 का नहीं हो रहा है। तो हमको पहली चीज़ तो ये फाइंड करना है कि 66 और 78 के बीच में जो है जो एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 3 और 23 का मल्टीपल हो, ठीक है ना। तो 3 और 23 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे तो एक वैल्यू हमारी आती है 69, इसके बीच में एक वैल्यू आती है 69 को अगर हम लोग देखेंगे तो 3 और 23 दोनों का मल्टीपल है, 3 और 23 का दोनों का मल्टीपल है, यानी कि आयुष के मार्क्स फिक्स हो गए, आयुष जो है 69 मार्क्स ही पाएगा, ठीक है ना। अब 69 मार्क्स पाएगा तो उसका जो है कम से कम 35 क्वेश्चन सही करने होंगे, क्योंकि 35 दूना कितना होता है,
35 दूना सात, एक सही क्वेश्चन के कितने नंबर मिल रहे हैं? दो। एक सही क्वेश्चन के दो नंबर मिल रहे हैं, तो 35 इंटू दो कर देंगे तो 70, यानी कि 35 क्वेश्चन तो उसको कम से कम सही करना ही होगा। 35 क्वेश्चन उसको कम से कम सही करना ही होगा, तो सही अगर 35 क्वेश्चन कर देगा तो 70 नंबर पा जाएगा। और मार्क्स कितने हैं उसके? 69, ये हम लोगों ने निकाल ही लिया था। तो गलत कितना किया होगा? चार ही क्वेश्चन तो गलत होगा भाई। चार क्वेश्चन अगर उसको रॉन्ग कर देगा वो, तो चार क्वेश्चन पे एक नंबर कम हो जाएगा। यानी कि देखो ना, एक गलत क्वेश्चन पे कितने मार्क्स करता है? 0.25 इंटू 4 कर देंगे 1, यानी कि 70 माइनस 1 अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 69। और यही उसका मार्क्स है, हम लोगों ने निकाला ही था, हम लोगों ने भी इसका मार्क्स निकाला ही था। तो इसमें पूछा क्या गया था? देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर राइटली बाय आयुष। तो आयुष ने कितने क्वेश्चन जो है सही सही उत्तर दिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 35। आयुष ने 35 क्वेश्चन जो है उसने सही सही इतने प्रश्नों का उत्तर दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। गलत क्वेश्चन पूछा जाता, कितने क्वेश्चन का गलत आंसर दिया, तो चार क्वेश्चन हो जाते जो है वो गलत आंसर देता, इसके मतलब जो है रॉन्ग आंसर दिया हुआ था। फिलहाल इसमें पूछा गया है कि देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर राइटली बाय आयुष, तो आयुष ने टोटल 35 क्वेश्चन के सही उत्तर दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। 35 सही क्वेश्चन के उसके 70 नंबर हो जाएंगे, चार गलत क्वेश्चन से एक नंबर कम हो जाएगा, 70 माइनस एक यानी कि 69 आंसर हो जाएगा, और उसके मार्क्स हो जाएंगे, और यही मार्क्स हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला भी है, इसका आंसर 35 होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें भी कॉपी पेन का यूज़ ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा यूज़ दिमाग का ही था। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन एस टी आई के हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है, देवराज एंड अदर पर्सन अटेम्प्टेड 4 क्वेश्चंस मोर देन मोहित एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय देवराज इज एन इवन नंबर, ठीक है। इफ़ ऑल द क्वेश्चंस आंसर्ड बाय देवराज आर नॉट राइट देन फाइंड टोटल मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स स्कोर्ड बाय द देवराज फॉर दिस सेम क्विज। देवराज एक अन्य व्यक्ति है जो इस क्विज में भी पार्टिसिपेट, इसमें टेबल में नहीं दिया गया लेकिन एक और अन्य व्यक्ति है उसके बारे में डाटा दिया गया है। देवराज ने मोहित से 4 अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया, प्रयास किया, और देवराज द्वारा प्राप्त अंक जो है एक सम संख्या है। यदि देवराज द्वारा दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर सही नहीं है तो समान क्विज के लिए, समान प्रश्नोत्तरी के लिए देवराज द्वारा प्राप्त कुल अधिकतम संभावित अंक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात देवराज की हो रही है, देवराज की हो रही है। तो देवराज का अटेम्प्ट कितना दिया गया है, देखिए इसमें क्या बोला गया है, देवराज का अटेम्प्ट क्या दिया गया है, अगर आप लोग यहाँ पर देखें, अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस मोर देन मोहित, अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन मोर देन मोहित। तो मोहित ने अटेम्प्ट कितना किया है, मोहित ने कितना अटेम्प्ट किया है, मोहित ने कितना अटेम्प्ट किया है, अगर हम लोग मोहित के अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए, मोहित ने राइट क्वेश्चन कितने किए हैं, 26, ठीक है ना, और रॉन्ग क्वेश्चन कितने किए थे। क्वेश्चन 1 में हम लोगों ने देखा था कि मोहित ने जो है टोटल 7 क्वेश्चन जो है गलत किए थे। तो मोहित का अटेम्प्ट कितना हो गया था, 26 प्लस 7, मोहित का अटेम्प्ट कितना हो गया था, 33, ठीक है ना, मोहित का अटेम्प्ट 33 हो गया था। और देवराज का अटेम्प्ट कितना हो जाएगा, 33। क्वेश्चन में क्या दिया गया, मोहित से 4 क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करता है, यानी कि 33 प्लस 4 कर देंगे तो देवराज की अगर हम लोग अटेम्प्ट की बात करेंगे तो देवराज ने 37 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए, देवराज ने 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब आगे क्या बोला गया है, अब आगे इसमें ये बोला गया कि देवराज के जो मार्क्स का है वो इवन नंबर में आए, और ये भी बोला गया है कि देवराज ने जो है सभी क्वेश्चन सही नहीं किए। 37 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया लेकिन सभी क्वेश्चन उसने सही नहीं किया, कुछ ना कुछ गलत किया, ठीक है ना, कुछ ना कुछ उसने गलत किया। और उसके बाद में उसके मार्क्स जो आए इवन नंबर में, सम संख्या में आए उसके मार्क्स। तो 37 क्वेश्चन पे अगर उसके मार्क्स हम लोग, 37 तो सही किया ही नहीं होगा, एकाध तो गलत किया ही होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो बोली गई है कि उसके मार्क्स जो आएंगे इवन नंबर में आएंगे, इवन नंबर में आएंगे या तो फिर उसके 4 क्वेश्चन गलत होगा, या तो फिर उसका 8 क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है ना, या तो 12 क्वेश्चन गलत होगा, इस तरीके से हम लोग होगा। तो चलिए पहले हम लोग मानते हैं कि उसके 4 क्वेश्चन गलत हो गए, 37 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, 4 क्वेश्चन उसके गलत हो गए, तो उसके मार्क्स कितने आएंगे, चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर उसने 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 37 इंटू 2 माइनस 4 क्वेश्चन उसके गलत हो गए, 4 इंटू 0.25, तो उसके कितने मार्क्स आ जाएंगे, 37 दूना अगर हम लोग बात करेंगे इसके तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये टोटल मार्क्स आ जाएगा। लेकिन हमको ये चीज़ नहीं देखनी है, हमको ये देखना है कि उसने अगर 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो सही क्वेश्चन कितने किए, क्योंकि सही क्वेश्चन का मार्क्स दिया गया ना, ये लाइन हमने यहाँ पर ये गलत लिख दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर 37 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 33, यहाँ पर होगा 33, क्योंकि सही क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा ना। और उसने टोटल 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 4 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो सही क्वेश्चन कितना किया, 37 माइनस 4 यानी कि 33 क्वेश्चन जो उसने राइट सही किए, 4 क्वेश्चन जो है उसने रॉन्ग कर दिए। तो चलिए उसके कितने मार्क्स हो जाएंगे, यहाँ पर 66 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 मार्क्स आ जाएंगे पहली कंडीशन में। लेकिन ये तो ऑड नंबर है,
ये तो ऑड नंबर है, तो ये तो कंडीशन गलत हो गई, ये कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि उसके नंबर जो है इवन में आएंगे, उसके जो मार्क्स आएंगे इवन नंबर में आएंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन बनती है कि या तो फिर उसके 8 क्वेश्चन गलत हुए होंगे, 8 क्वेश्चन गलत किए होंगे। तो उसने टोटल 37 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया था, टोटल अटेम्प्ट किया, ठीक है ना, 8 क्वेश्चन उसके गलत हो गए, 8 क्वेश्चन उसके रॉन्ग हो गए। तो राइट क्वेश्चन उसके कितने हो जाएंगे, 37 - 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 29। 37 - 8 कर देंगे तो 29 क्वेश्चन जो है उसके राइट हो जाएंगे। अब मार्क्स हम लोग निकालते हैं इसके, चलिए, तो 29 राइट क्वेश्चन के उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 29 × 2, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन गलत के कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, 8 × 0.25। अब मार्क्स हम लोग निकाल लेते हैं, तो 29 × 29 = 59 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। माइनस माइनस दो नंबर इसके कट जाएंगे, माइनस दो नंबर कट जाएंगे, 8 को 0.25 से गुणा करेंगे तो कट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 56, ये हो जाएगा 56 मार्क्स उसके आ गए, 56 मार्क्स आ गए, यानी कि ये इवन नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, यानी कि ये कंडीशन जो है फुलफिल कर गई। मैक्सिमम उसके अंक कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम उसके 56 ही हो जाएंगे, क्योंकि ये इवन नंबर आ गई। चार क्वेश्चन गलत करके हम लोगों ने चेक किया था, 4 क्वेश्चन से गलत करके हमारी वैल्यू नहीं आई, 8 क्वेश्चन गलत करके हम लोगों ने चेक किया, 8 क्वेश्चन गलत करते उसके 56 मार्क्स आ गए, 56 मार्क्स जैसे आ गए, सारी की सारी वैल्यू हमारी जो भी कंडीशन देगी सेटिस्फाई करेगी, उसके मार्क्स जो हैं वो भी हमारे इवन में आ गए, उसके अटेम्प्ट भी जो हैं देवराज के अटेम्प्ट जो है मोहित के अटेम्प्ट से कितने ज़्यादा हो गए, मोहित के अटेम्प्ट से 4 ज़्यादा भी हो गए, यानी कि 37 उसने टोटल अटेम्प्ट किया है, 8 क्वेश्चन गलत हो गया है तो 29 क्वेश्चन सही हो गया है। सारी की सारी कंडीशन यहाँ पर हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा सा लगाया, थोड़ा सा लॉजिक को फाइंड किया, जो भी दिया गया था वहाँ से हम लोगों को डाटा निकाला और पता चल गया कि जो है उसके उसने 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें से 29 क्वेश्चन सही हो गया और 8 क्वेश्चन गलत हो गया। मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स जो देवराज के हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 56 नंबर जो है देवराज जो है पाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये DI जो है आप लोगों को समझ में आई होगी और आप लोगों ने सारे क्वेश्चन जो भी दिए गए थे, जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, इंडिविजुअल एक एक क्वेश्चन आप लोगों ने पहले खुद से सॉल्व किए होंगे, कॉपी पेन उठाई होगी, उसके बाद ही आप लोगों ने सोल्यूशन देखा होगा। अगर आप लोगों ने कॉपी पेन उठाई थी और चीज़ें आप लोगों से बन गई थी तब तो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है, और नहीं बनी थी तो मैंने सोल्यूशन तो बताया, आप लोगों ने देखा है, आप लोगों को थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत, आप लोग मेहनत करते रहिए। चैनल पर अगर अभी तक आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही बहुत सारी DI आप लोगों के लिए मैं लाने वाला हूँ, आप लोगों को यहाँ पर ऐसे अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा मेंस लेवल का, बीच बीच में हम लोग प्रीलिम्स को भी टारगेट करेंगे, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, और चीज़ें अगर अच्छी लगी, वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक करते रहिए।